झूठ बोलते हैं। झूठ मत बोलो ना यार, कम से कम क्या करें, मैं बेवकूफ है पैदल है दिमाग से नहीं दिया। यही लड़ रही ना तू, देख तमाशा। रोके रोले रो ना रो। हेलो दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गीत दी फैमिली व्लॉग्स। तो अभी सर्दियां आ चुकी है, ठंड लगने लगी है, फ्लोर पे ठंड लगती है, मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ठंड लगती है, बट वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल रेंटेड होम जहां पर सुबह सुबह बहुत प्यारी धूप आती है। तो मैं बच्चों के लिए और मम्मी के लिए ये सरसों के तेल तैयार करती हूँ, मेथी दाना, अजवाइन और थोड़े से गार्लिक को कट करके इसे हल्का सा फ्राई करके, हल्का गर्म रहता है तभी लगाए तो बहुत फ़ायदा करता है, बच्चों को कफ की शिकायत नहीं होने देता है, बॉडी को गर्म रखता है। तो सबसे पहले मैं मम्मी को ये लगा देती हूँ, नहाने के बाद भी लगाती हूँ, मॉर्निंग में हल्का सा सीने में लगाती हूँ और समटाइम्स रात में भी लगा देती हूँ, क्योंकि उन्हें अस्थमा की दिक्कत है तो बॉडी को गर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें फटाफट से घर का काम करके आज प्लॉट पर जाना है, घर कितना बना है क्योंकि पूरी दिवाली हो गई, काम रुका हुआ था, थोड़ी टेंशन होने लगी क्योंकि EMI भी कटती है, घर का रेंट भी कटता है, सभी चीज़ें मैनेज करना मालवे जी अकेले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों सेफ्टी के पर्पस से ये हम पहले ओपन रख रहे थे इतनी, मगर यहाँ पे बाजू में चोरी वगैरह हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लॉट ये पीछे वाला। हाँ तो दोस्तों ये है हमारा ऊपर का ओपन टेरेस एरिया कह सकते हैं आप, ये हमने खुद से नहीं बनाया, अपने आप बनाए, रीजन के हमारे पैसे नहीं थे चंदा लगाने के, तो फिर हमने आधा कुछ छोड़ा, फिर हमें सेफ्टी इश्यू आया तो हमने ये दीवार खड़ी की। तो अब बहुत प्यारा लग रहा है, तो जो होता है कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है, ठीक है कम बजट में हमारा काम हो गया, हम यहाँ धूप आती है मॉर्निंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी छत डलवाते थे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे थे। क्या नाम है इसका? अनुराधा। अनुराधा ये यही सुला रही, सब देखती है, इसकी मम्मी काम करती है तो यही सब करती है ना। बड़ी दीदी हो आप? बड़ी दीदी हो? दीदी हो आप? कितने साल के हो? कितने साल के हो? शर्मा क्यों बोलती थी? जब मम्मी रहने दो, काम करे उसकी मम्मी, कम पैसा मिले। स्कूल जाते हो? अभी नहीं, छोटी है अभी ना। ये भाई साहब दोनों हमारी डॉल बैठ गई हैं। ओए ओए गीत 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 गीत, आराम से, डर लगता है ना पापा को इसलिए। क्या लिया अमित आपने? क्या लिया है? कुछ नहीं लिया अमित आपने, अमित आपने ज़्यादा परचेसिंग करी है देखो। अमित ने कुछ भी नहीं लिया है, अमित आपने कुछ नहीं लिया देखो दोस्तों, रीत ने कुछ नहीं लिया। नहीं नहीं मीत, वो रीत का सामान है। मम्मा कहाँ है? रीत मम्मा कहाँ? उधर गई हैं मम्मा, उधर गई। अमीन मम्मा कहाँ? उधर गई मम्मा, भी उधर गई। पापा कहाँ? पापा पापा तो यहाँ है। पापा पापा कहाँ है? ये पापा, ये पापा। अच्छा 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 अच्छा। की रचना कहती घर से, वाइफ कहती घर से कुछ नहीं खरीदेंगे, आप सिर्फ घूमने चल रहे हैं और अभी भी खरीदे जा रही है। Oh, no. अभी भी खरीदे जा रहे हैं, देखो इतनी शॉपिंग कर ली मम्मा ने तुम्हारी। क्यों? पेंसिल लेना भूल गई। क्या? पेंसिल लेना भूल गई। पेंसिल लेना भूल गए? जाओ ले आओ, जाओ। अकेले चले आओगे? रहने दो बेटा, पेंसिल लेकिन बाहर से ले जा देंगे आपको। पेंसिल लेना भूल गए? अरे यार अब क्या होगा गीत? रचना आपने गीत को कलर लेने भेज दिया तो कलर उसका रचना ने वापिस रखवा दिया था, तो वो वापिस लेने गई। तो दोस्तों ये है जब हम कुछ नहीं खरीदेंगे ऐसा कह के आए, और उसका खरीदना है करीबन 3,500 की शॉपिंग। तो बात है शॉपिंग, झूठ मत बोलो ना यार, कम से कम कि क्या कहती है मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। यार मैंने सच में कुछ नहीं खरीदा दोस्तों, कुछ भी नहीं खरीदा मैंने। बिल दिखाना। आप मेरे को क्यों लेके? आप बिल दिखाना। पर मैंने नहीं, आप देख लो मैंने नहीं खरीदा। फिर ये सच में बेवकूफ है पैदल है दिमाग से, तेरी कुछ नहीं खरीदा। आटा क्या मैं अकेला खाऊंगा बैठ के कोने में? तो पैकेट आपने खरीदा, मैंने खरीदा बिस्किट का पैकेट, मैंने दोस्तों तो मैंने क्या खरीदा? और तो से भगवान राई खरीदी, राई खरीदी मैंने, बस राई खरीदी। देखो भैंस को राई खरीदी। अब एक कॉफी का कप लिया है, एक कॉफी का कप लिया है, उसमें क्या दिक्कत है? चिप्स लिए हैं, मुझे सिर्फ कप का शौक है इसलिए लिया। तो दोस्तों ऐसा हाल है, मैं तो हो रहा हूँ बहुत गुस्सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी लोग
जब कहती कुछ नहीं लेना, झूठ मत बोलो ना। मालवीची डीमार्ट झूठ बोलते हैं, गरीबों का किराना स्टोर। ऐसा कुछ नहीं है, ये देख रहो एक्सयूवी 500 से आया, अगला गरीब है वो, हैं किया से आया है, इधर टीयूबी से आया, टाटा पंच, हाँ टाटा पंच से आया, गरीब है, क्रेटा से खड़ी है यहाँ पे। दोस्तों देखो, जो लोग अगर ये सोचता है, देखो गाड़ी कैसी लगा गया है अगला। मुझे इतनी गुस्सा आ रही दोस्तों, कुछ नहीं खरीदूंगी, चलो बैठो उधर गेट, मैं हमेशा ऐसा करने देते हो तुम, गंदी करी अब क्या करो बेटा, मम्मी वॉश करने तो देती नहीं है, लो साला, मम्मी नहीं मम्मी का साला मतलब पति का साला, इधर आके बैठो ना, डिग्गी नहीं खुल रही तुमसे क्या, देखो काम कुछ नहीं होता, डिग्गी तक नहीं खुल रही है। ये देखिए, जब कुछ नहीं खरीदेंगे तब ये हाल है। ये मैंने खरीदा है, ये मैंने खरीदा है, ऑब्वियस है तुमने खरीदा है, ये तुम्हारी लड़की ने खरीदा है, ये तुमने ही, तो क्यों कहना कि कुछ नहीं खरीदा, ये किसने खरीदा, ये छुपा के लेके जा रही है, और ये मेरे ही आया, ये भी मना कर रहा था मत खरीद रचना, कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को हाथ में दिया था वहाँ पे वापस लेना था, वापस लेना था, हमने लिया, किसकी जिम्मेदारी, आप तो वहाँ घूम रहे थे, ये मैंने खरीदा है, हाँ इतना अच्छा भी नहीं कि उसको लेते जाओ पीते जाओ, खाना मत खाओ, याकूट भी पीते जाओ बस। आपने कितना नाटक किया था दिवाली वक्त, कितनी बैंड बजी, नाटक नहीं किया था, आपकी मम्मी मुझे कह रही थी कि जीरा वाटर ये वो पन पिला के नहीं दिया, यही लड़ रही ना तू, देख ले तू कितना सच्चाई, दोस्तों देख लो उसकी सच्चाई आई सामने रचना की, और हम यहाँ बेबी को लेके खड़े हैं, साला एक तो इतना वो करो, साला कौन है यहाँ पे, मेरे बेटे के लिए ये नहीं किया, मेरे बेटे के लिए, बेटे के लिए, और ऊपर से तुम रखो उसको ढाके, किया था ना क्या मैंने तमाशा, रोके रो ले रो ना रो, सबके सामने चिल्ला रहा है जाहिल, देखो उठा पाती कि नहीं, उठाना चला, खाने के तो नाम पे एक नंबर, काम पे भी एक ही नंबर, खाने के नाम पे एक नंबर, तीन नंबर, चलो वो एक रह गई, मैं 275 रुपए की हो, हाँ तो ये भी दिखाओ, ये किसका है, तूने कहा कि मनोज तुम अच्छे ही लगते हो ले लो, मैं चलो ठीक है, दिस इज ओनली फॉर यू, मैं यूज कर फॉर मेन, मैं नहीं फॉर यू मतलब कि मेरे साइड से आपके लिए, गिरेगा द वे यू, देख लो दोस्तों, तो ये किस लिए दिया है कार में, दिया ये बेवकूफ के लिए दिया है ना, उसको ऊपर के ऊपर कैसे रहने दिया उसको, क्यों रख रही थी तब नहीं बोल सकते थे आप, नॉनसेंस डोबी, डम प्रूफ करना चाहता हूं, डम प्रूफ नहीं करना चाहता हूं, ऑलरेडी हो प्रूफ करने के लिए, कोई नहीं सर्टिफिकेशन, ये इसके साथ किसने आके कैसे आके, चलो रखो रचना पैथेटिक, चलो बैठो गाड़ी में, नहीं तो अगला ये आ जाएगा तो बोलेगा हमारी गाड़ी टच हो रही है, आप चलोगे, तो दोस्तों हमारी तो हो गई डीमार्ट के बाहर लड़ाई, फोन आ रहा है मेरे पास इमरजेंसी में, दोस्तों बहुत समय तो दोस्तों कितने साल, क्यों 6 महीनों बाद, महीनों, तीन चार महीने बाद, गर्मी के बाद, अब हमने पानी, क्योंकि बारिश चल रही थी तो हमने पानीपुरी नहीं खाई है, तो पानीपुरी अभी तो दही पूरी खा रहे हैं, अच्छा साफ सफाई से पता से एक भी नरम नहीं मिलेगा, अरे बढ़िया सच में, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा दोस्तों, हम पहले डर रहे थे बाजार की रेडीमेड, हाँ हाँ नहीं हम पहले डर रहे थे कि खाएं नहीं खाएं खाएं नहीं खाएं, क्योंकि बीमारी इतनी फैल रही है, हम खुद बीमार थे अभी, फिर भी अंकल भैया ने कहा नहीं विश्वास करो, और ओरिजिनल वाटर है मतलब घर पर बनाते हैं, और पानीपुरी भी घर पर बनाते हैं, एक उठाने के ऊपर का दही पूरी खा रहे हैं अभी फिलहाल, तो क्यों मीतरी रात में खाया कुछ, मीतरी से सूखी पानी पूरी खा रहे दोनों, फिनिश कर दी, वाह यार बड़ा वाला भाई साहब, आज है भैया हमारा छुट्टी का दिन, तो रचना कह रही थी कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तो हमने कहा, तो दोस्तों एक जिम है जिसका नाम है एलेन फिटनेस, यहाँ पे आई है रचना, क्यों है रचना पूरा परिवार सही रहा है आप, तो देखते पागलपन हमारे, आज वहाँ डीमार्ट में खर्च कर दिए पैसे, अभी फिटनेस जिम में आए, कहाँ से रास्ता, तो यहीं से चलो, अच्छा ओपन स्पेस है, आपको आना है जिम करो, बस लग जाएंगे, तो दोस्तों ये है लोअर जिम, लोअर पार्ट के लिए, नहीं 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 आ जाओ बेटा, बस सिस्टम हो गया, आप
ऊपर बैठ जाओ, आओ ऊपर तो दोस्तों ये है जो क्रिस्टल्स हैं, इन सबको कैसे चार्ज करना है। देखो मैंने जैसे बताया था आज पूर्णिमा है, रचना ने बताया होगा, मैंने कई बार बताया है कि जो पूर्णिमा की रोशनी में हम रखेंगे इसको, तो चांद्रमा पूर्णिमा का चांद है, बड़े राउंड से महफूल है और उसी की रोशनी में हम रखेंगे यहाँ पर। खुला एरिया है, कुछ नहीं होना, आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं, हम अभी छत पर नहीं जाना चाह रहे हैं, है ना, तो यहीं से मिल जाएगी हमको, रात भर चार्ज हो जाएंगे ऐसा। तो बच्चों चलो वापिस। तो दोस्तों कल से रचना जाएगी जिम, आज रचना जिम की बात करके आ गई और कल से फाइनल हो गया है, जिम जाएगी रचना दोनों बच्चों के। अब देखो ऑलरेडी 5-6 किलो वजन कम हो गया है, मगर रचना चाहती है अब स्लिम फिट होना, कोई भी ताने नहीं सुनना लाइफ में किसी के भी। कब जाऊंगी? 1 बजे बच्चों के सोने के बाद। तो मैंने बोला था कि तू जा बात करने है। बात करने गए थे, अब उनका इवनिंग का टाइम 5 से 10 का है, अब मैं कैसे क्या करूँ मुझे भी नहीं पता। 5 से 10 आप आते हो 7:30 पे? 8 बजे आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि 7:30, हाँ 7:30 के बाद ही आता हूँ मैं। आप तो क्या करें फिर, कब जाने जाने के लिए? ओ मैं इतनी थक जाती हूँ, इतना दिमाग खराब कर चुकी हूँ एक दिन में। तो एक काम करो 5 बजे जा, 5 बजे 10 से 15 मैं चुप रहूंगा, मम्मी उसको भी पता है कि चुप रहना कितना अच्छा है। मैं पता है कैसे पढ़ाती हूँ कभी कभी। हाँ तो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। लिखो, मैं उसको ऐसे पढ़ा, उसको भी सीख गई हूँ, एल्काइन चल रहा है आपसे बात नहीं। हाँ फिर क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CN। ऐसे इनसे बात करो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और से बात करें तो इनको बड़ी दिक्कत है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को ऐसे पढ़ाना पड़ता है। चलो ये तो है, तो या तो देखो दोस्तों सुबह नहीं, क्यों शाम को 5 बजे खुल जाती है जिम है ना, क्यों तो शाम को 5 बजे चले जाओ, बच्चे मम्मी संभालेंगे, क्या करो फिर, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, देखते हैं क्या हो सकता है। दोस्तों बहुत मोनोटोन से होने लगी है जिंदगी कुछ। अरे यार मिरीद बेटा बात करने दो ना, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने वेट लॉस भी स्टार्ट किया था, फिर इतनी जिम्मेदारी, बच्चे जैसे से बड़े हो रहे हैं, मैं जिम्मेदारियों में ज्यादा फंसती जा रही हूँ, और थोड़ा सा मन वो हुआ था 1 मिनट के लिए, जिम्मेदारी वर्ड जिम्मेदारी ट्राई करना, अपने ऊपर कब ध्यान दूंगी, कैसे दूंगी, नहीं मिलता दोस्तों समय, 5 मिनट भी मैं अपने लिए निकाल लूं बहुत बड़ी बात है, मी टाइम नहीं मिलता, नहीं मिलता मुझे, नहीं मिलता सच में नहीं मिलता। लोग कमेंट करेंगे कुछ औरतें भी, मुझे कोई मतलब, थोड़े दिन की बात है रचना, फिर बच्चे सब काम कर ले, अरे ये कुछ नहीं करेंगे, आपस में तीनों लड़ती है ना, ये आगे चल के भी हमारा तो देखना, ये देखो क्योंकि जिम्मेदारी तीनों बच्चों हस्बैंड की तरफ भी, मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरे लिए नहीं करते, पर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करना या इनसे किसी आगे के बारे में, घर बनना उसके बारे में बात करना, मम्मी की है, तो वो मेरे को खुद के लिए मी टाइम नहीं मिलता, सच बताऊँ तो नहीं मिलता। चलो दोस्तों तो रचना क्या जिम जा पाएगी?